टॉपिक है हमारा रोमन नंबर्स, ठीक है। रोमन नंबर्स को हम कैसे करते हैं, देखो रोमन नंबर के लिए ना आपको ये याद रखना ज़रूरी है, ओके। ये आपको अल्फ़ाबेट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो वन जो है ये रोमन नंबर्स हैं, और ये हिंदू अरेबिक, वन को हम ऐसे वन ही लिखते हैं। टू वन टू, थ्री वन टू थ्री, फोर, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नहीं, ये वन सी और एम, यानी कि वन टेन हंड्रेड थाउजेंड, मैक्सिमम तीन बार यूज़ हो सकता है, तीन बार से ज़्यादा नहीं हो सकता, बाकी सब अल्फ़ाबेट एक ही बार यूज़ होते हैं। अब फोर है, अब इस अल्फ़ाबेट को मैं फोर टाइम्स तो लिख नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगी, फोर एक्चुअली होता है फाइव माइनस वन, तो फाइव क्या है ये, और जब ये वन मैंने आगे लगा दिया तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, तो ये आपका आ गया फोर, और जब ये वन टेन सी और एम ये आगे भी लग सकते हैं, जैसे फाइव से ये आगे लगे, वन छोटा है फाइव बड़ा है, ठीक है, तब उस केस में ये माइनस होगा। फाइव फाइव सिक्स, फाइव सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अब ये फिर चार बार नहीं आ सकता, टेन हमें पता है एक्स होता है, तो टेन माइनस वन नाइन, ये आपको लर्न करने हैं जो मैंने बोला, अगर आपको वो नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, आप ये याद कर लेना। अब ट्वेंटी, टेन प्लस टेन ट्वेंटी, थर्टी, टेन प्लस टेन प्लस टेन फोर्टी, चार बार नहीं आ सकता, लेकिन फिफ्टी, फिफ्टी क्या है एल, फिफ्टी माइनस टेन हो गया फोर्टी, फिफ्टी यही है आपका। सिक्सटी, फिफ्टी प्लस टेन सेवेंटी, फिफ्टी प्लस टेन प्लस टेन एट्टी, फिफ्टी प्लस टेन प्लस टेन नाइन्टी, नहीं आ सकता चार बार, लेकिन हंड्रेड माइनस टेन और सी हंड्रेड। टू हंड्रेड, थ्री हंड्रेड, देख रहे हैं, फोर हंड्रेड, सी चार बार नहीं आ सकता, फोर टाइम्स हम नहीं लिख सकते, तो फाइव हंड्रेड माइनस हंड्रेड, फाइव हंड्रेड, सिक्स हंड्रेड क्या होगा, फाइव हंड्रेड प्लस हंड्रेड, यानी ये सेवन हंड्रेड, एट हंड्रेड, नाइन हंड्रेड, वन थाउजेंड, वन नाइन हंड्रेड होगा वन थाउजेंड माइनस हंड्रेड, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब मुझे नंबर लिखना है, मान लो ट्वेंटी थ्री, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखनी आती है ना, ट्वेंटी क्या है, ये रहा ट्वेंटी और ये रहा थ्री, बन गया वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स, हंड्रेड प्लस नाइन्टी प्लस सिक्स, हंड्रेड कहाँ है ये रहा, नाइन्टी कहाँ है और सिक्स कहाँ है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेना, वो सारे नंबर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और कर लेना काम। क्या होगा, टू थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस सेवेंटी प्लस सिक्स, टू हंड्रेड इज फाइव हंड्रेड, टू थाउजेंड, सॉरी टू थाउजेंड कहाँ है ये रहा, तो दो दो बार एम हो गया टू थाउजेंड का, ठीक है। फाइव हंड्रेड के लिए डी और सेवेंटी के लिए और सिक्स के लिए, आ गया समझ में, तो मेन आपको यही याद करना है और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के आप नंबर्स को कर लेना।